तो नाज़रीन ये सिचुएशन है न्योम शहर की, वहाँ पर ऐसे लोग आबाद किए जाएंगे जो मुस्लिम उम्मा के लिए ख़तरा बनेंगे, जो मुसलमानों के लिए ख़तरा बनेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये 2030 तक इसमें तकरीबन 25 से 30 लाख अफराद बसा दिए जाएंगे, मुख्तलिफ मुमालिक के टॉप ज़हीन तरीन इंसान, सरमायादार और बिजनेसमैन वहाँ पर, बिजनेस टाइकून वहाँ पर बनाए जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन बैंकें ओपन होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं रंगू मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही हैं, काफ़ी दिनों से ये अफवाह है या सच है, इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन ख़बर ये है कि न्योम शहर एक नया बसाया जा रहा है, न्योम, NEOM, न्योम शहर, और ये शहर बसाया जा रहा है, आबाद किया जा रहा है सऊदी अरब में, एक मुस्लिम मुल्क में। न्योम शहर का क्या मतलब है, इस पर मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा, लेकिन इस शहर में जो असल ख़बर है वो ये है कि मिला है इसराइली वज़ीर आज़म, यहूदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, और एक मुसलमान हुक्मरान से, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, और किसी और वली अहद को हटाकर ज़बरदस्ती ये वली अहद बने हैं, और इनके अब्बू जो हैं वालिद शाह सलमान, वो हैं सऊदी अरब के बादशाह, और शाह सलमान के बाद जो अब सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो बादशाह बन जाएंगे सऊदी अरब के। तो न्योम शहर किस जगह आबाद किया जा रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, इसराइली वज़ीर आज़म पहली दफ़ा, जो मुस्लिम तारीख में पहली दफ़ा किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर और किसी मुसलमान मुल्क के एयरपोर्ट में उतरा है, तो वो न्योम शहर में उतरा है और इसराइली वज़ीर आज़म उतरा है। इसकी वजूहात क्या है, इसराइली वज़ीर आज़म कौन सी ब्रीफिंग लेने आया था, क्या करने आया था, MBS से क्या मुलाकात हुई, और न्योम शहर को आबाद करने के मेन मकासद क्या हैं, न्योम शहर जो आबाद हुआ है इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, कहाँ कहाँ से लोग आकर आबाद होंगे। इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि न्योम शहर कहाँ आबाद होने जा रहा है। तो नाज़रीन, न्योम शहर एक ऐसी जगह, उसकी लोकेशन बनाई गई है, एक तमीर का मंसूबा जो है वो बनाया गया है, कि है तो वो सऊदी अरब में, लेकिन जहाँ पर उसकी उसको आबाद किया जा रहा है वो एक ऐसी जगह है जो कि मक्का, मक्का से आगे चलें तो फिर मदीना, अगर मदीना से आगे चलें तो वहाँ पर इसकी लोकेशन बनाई गई है न्योम, और इसकी जो सरहद मैं आपको बताऊं तो एक सऊदी अरब के एक कोने में ही है न्योम शहर। तो सऊदी अरब के एक कोने में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर चार मुल्कों की सरहद आपस में लगती है। पहला मुल्क हो गया जी जॉर्डन और यानी उर्दन, दूसरा इजिप्ट यानी मिस्र, और तीसरा है मुल्क इसराइल, ठीक है ना। इन तीन मुल्कों की सरहद लगती है इसी न्योम शहर के आसपास, और चौथा जो मुल्क हो गया वो तो सऊदी अरब हो गया। चार मुल्कों की सरहद आपस में लगती हैं न्योम शहर को, और न्योम शहर समंदर के साथ ही बनाया जा रहा है, और रेड सी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये समंदर वहाँ पर लगता है ताकि ज़मीनी जो राबते हैं वो रहें, तिजारत समंदरी रास्ते से भी हो सके। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करते हैं कि न्योम शहर में कहाँ से लोग आबाद किए जाएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। तो जो मंसूबा तैयार किया गया है, जो रिपोर्टें इस वक्त आ रही हैं वो ये हैं कि सऊदी अरब तो आप जानते हैं, सऊदी अरब में जितने भी काम चल रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, वो लोग अक्सर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों से हैं, क्योंकि सऊदी अरब तो ख़ुद तो चट कौम है इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ अभी की, ये अयाश कौम बन चुकी है। इनको ना कोई तमीरी सोच है इनकी, ना कोई तमीरी जहन है, ना कोई ये मंसूबा ख़ुद मुकम्मल कर सकते हैं, हर मंसूबे में इनको मुकम्मल करने में गैर मुल्की शामिल हैं, और ये अब क्योंकि तेल की सन्नत तो ख़त्म हो गई है, अब सऊदी अरब में तेल कम होता जा रहा है और इसकी सन्नत भी कम होती जा रही है। आप जानते हैं कोरोना की वजह से भी सऊदी अरब को बेशुमार नुकसान हुआ है, माली उनकी मईशत तबाह हुई है, क्योंकि उनका तेल जो है वो बिक नहीं रहा था, और इन दिनों भी वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो तो सऊदी अरब को सेकुलर बनाने जा रहे हैं। न्योम शहर में जो कानून होगा उस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि सऊदी अरब में जो कानून है वो शरी कानून है, इस्लामी कानून है, लेकिन जो उनमें भी अब मोहम्मद बिन सलमान नरमी करते जा रहे हैं,
और न्योम शहर में जो कानून होंगे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे। इस पर मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा। अभी हम मुईशत पर बात कर रहे हैं, तो इनकी मुईशत जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। तो मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी शहर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मतलब खुद सऊदी अरब को मुल्क बनाना चाहते हैं जैसे दुबई हो गया। मतलब इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर, लोग आएंगे, ताजिर आएंगे, बैठेंगे वहाँ पर, सरमाया होगा और वहाँ से मुईशत को चलाया जाएगा, इनकम वहाँ से होगी। तो सऊदी अरब के शहर न्योम जो अभी बसाया जा रहा है, उसकी जो रकबा मैं आपको अगर बताऊँ तो लाहौर से तकरीबन, लाहौर जैसे 22 नए शहर बन सकते हैं, लाहौर जैसे सॉरी न्यूयॉर्क जैसे 22 नए शहर। मतलब न्योम एक शहर हो गया और उस जैसे अगर न्यूयॉर्क जैसे 22 शहर न्योम में बसाए जा सकते हैं, लाहौर जैसे 17 शहर बसाए जा सकते हैं, कराची जैसे 7 शहर बसाए जा सकते हैं। इतना बड़ा न्योम शहर बनाया जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर जदीद फैसिलिटीज़ ये होंगी कि वहाँ पर होटलों में मतलब डिलीवरी के लिए, खाना डिलीवरी के लिए या दूसरा सामान डिलीवरी के लिए वहाँ पर ड्रोन तैयार करवाए जा रहे हैं। वहाँ पर बिल्कुल एक जदीद सिस्टम लगाया जा रहा है, 5G नेटवर्क वहाँ पर सेट किया जा रहा है, इंटरनेट की जदीद तरीन सहूलियात वहाँ पर होंगी। उसके अलावा फ्लाइंग टैक्सी वो भी वहाँ पर सेट की जा रही है, फ्लाइंग टैक्सी की सर्विस जो है वो होगी, यानी कि वहाँ पर रश की कोई गुंजाइश नहीं होगी, सड़कों पर कोई रश नहीं होगा, कोई मतलब वहाँ पर ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी। ट्रैफिक रवान दवा नीचे वाली भी सवारियाँ होंगी, लेकिन फ्लाइंग टैक्सी आप देखेंगे कि जो ही न्योम शहर आबाद होगा वहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी की सर्विस अवेल कर दी जाएगी, और इसके लिए इस मंसूबे पर काम भी शुरू है। इसके अलावा नाजरीन वहाँ पर यहूदी ख़ास तौर पर आबाद होंगे, ये मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, मैंने काफ़ी सोर्सेज से जो है रिसर्च की है, तो मुसद्दका मैं इतला जो दे रहा हूँ वो दुनिया के टॉप सरमायादार वहाँ पर आबाद होंगे, वहाँ पर यहूदी आबाद होंगे, वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार जो हैं वो आबाद होंगे, और वहाँ पर ये शहर आबाद किया जाएगा न्योम शहर। और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, जदीद तरीन सहूलियात होंगी, 5 स्टार 6 स्टार से भी ऊपर वहाँ पर सहूलियात होंगी, और वहाँ पर MBS ने अपना ऑफिस भी खोला है मोहम्मद बिन सलमान ने, और वहीं पर उनको वो इसराइली वज़ीर आज़म भी मिलने आए थे, वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वज़ीर आज़म को, याद रहे। लेकिन अभी तक सऊदी हुकूमत ने ना ही इसकी तस्दीक की है और ना ही इसकी तरदीद की है, लेकिन जो तस्वीर आ रही हैं माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, और साथ ही एक और ट्वीट आई है जिसमें ये बता वाजे होता है कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइली वजीर आज़म और अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो मिले हैं आपस में, उनकी न्योम शहर में मुलाकात हुई है। अच्छा, अब आते हैं हम न्योम शहर में जो कवानीन होंगे उसके ऊपर। तो न्योम शहर के कवानीन नाज़रीन ये होंगे, सऊदी अरब के आप जानते हैं शरी कानून है, इस्लामी कवानीन है, लेकिन उनमें भी अब नरमी की जा रही है, लेकिन जो न्योम शहर के कानून होंगे वहाँ पर कोई इस्लामी और शरी कानून लागू नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान कहा ये जा रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल बीच बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर एक मून बीच भी बनाया गया है, एक फ़र्ज़ी मून यानी चांद, एक साइंसी तरीके से एक चांद बनाया गया है वहाँ पर ऊपर यानी मून बीच, वहाँ पर लोग जाएंगे एंजॉय करेंगे। और नाज़रीन ये आप जानते हैं एक तो अल्लाह ताला की तख्लीक है चांद, और दूसरा वहाँ पर ये अपनी तरफ से बनाने जा रहे हैं, तो ये किसके साथ क्या कर रहे हैं नाज़रीन, ये क्या बंदा कह सकता है, ये मुसलमान हुक्मरान है? ये तो मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ पूरी होने जा रही है कि सबसे पहले जो होंगे वो अरब हुक्मरान बिगड़ेंगे जब उम्मत मुसलमान पर बुरा दौर शुरू होगा। तो उम्मत मुसलमान पर बुरा दौर शुरू हो चुका है, और वहाँ तो मैं आपको बता रहा था वहाँ पर मून बीच बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे दूसरे भी समंदर किनारे बीच बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कोई मतलब इस्लामी कवानी नहीं होंगे, यहूदियाँ हैं, मुसलमान हैं, वहाँ पर गैर मुस्लिम हैं, जो भी हैं वहाँ पर अपना फुल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब जैसे गैर मुस्लिम रियासतों में लोग होते हैं, चाहे कपड़े पहने ना पहने, शॉर्ट कपड़े पहने, जैसे पहने, गाने बजाने जो भी हुआ, वहाँ पर सेकुलर मतलब एक शहर बनाया जा रहा है वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। और ये सारी गेम इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब कंगाल हो रहा है,
पैसा नहीं है, मुईशत नहीं है, तो मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि दुबई तर्ज की मतलब मुईशत हमारी भी बन जाए वहाँ पर, जैसे दुबई में अयाशपन अरूज पर है, तो वहाँ मोहम्मद बिन सलमान भी यही बनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम तर नक्शा जो है, ये तमाम तर मंसूबा जो है, ये मोहम्मद बिन सलमान का है, मोहम्मद बिन सलमान का ही प्रोजेक्ट है। और आप मोहम्मद बिन सलमान की गेम को ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह एक इस्लामी रियासत को सेकुलर रियासत में कन्वर्ट करने के दर पे हैं। आप जानते हैं कि OIC में ये भारत की तर्जमानी करते हैं, सऊदी हुक्मरान हो गए या दुबई के हुक्मरान हो गए। बताया ये जा रहा है कि ये 2030 तक इसमें तकरीबन 25 से 30 लाख अफराद बसा दिए जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक के टॉप ज़हीन तरीन इंसान, सरमायादार और बिजनेसमैन वहाँ पर, बिजनेस टाइकून वहाँ पर बनाए जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन बैंकें ओपन होंगी, वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन वर्कशॉप्स ओपन होंगी, वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन जो लोगों की क्वालिटी है वो वहाँ आएगी, यानी कि एक हाई रैंकिंग जो लोग हैं वो नियोम शहर में बसाए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है नियोम शहर की, वहाँ पर ऐसे लोग आबाद किए जाएंगे जो मुस्लिम उम्मा के लिए ख़तरा बनेंगे, जो मुसलमानों के लिए ख़तरा बनेंगे। और इसके लिए नाज़रीन तकरीबन 500 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर आएंगे नियोम शहर की तामीर के लिए, 500 अरब डॉलर अमेरिकी। तो इतनी बड़ी रकम ये कहाँ से आ रही है नाज़रीन? तो हमारे लिए सोचने की बात है, क़यामत की निशानी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी पूरी होने जा रही है। तो नियोम शहर में इसराइली वज़ीर आज़म भी यही करने आया था, उसने ब्रीफिंग ली है मोहम्मद बिन सलमान से और